हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, न्यूज़ पे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। तो चलो बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, जो अपनी पहली न्यूज़ है स्काउट को लेकर। तो गाइस, स्काउट और जोनाथन कल साथ में खेल रहे थे काफी दिनों बाद, और उन दोनों के फैंस बहुत ही ज्यादा कल खुश हुए कि वो साथ में खेल रहे थे। स्काउट खेल रहे थे तो स्काउट ने बताया कि उनकी और जोनाथन की लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई अपनों के बीच ही होती है, ये सब स्काउट ने कल कहा था। और मैं उम्मीद करता हूँ गाइस, अब स्काउट जल्द ही नियो के साथ भी आपको वापस खेलने को मिले, क्योंकि नियो और स्काउट की कुछ ज्यादा ही अलग बकचोदी अपन को सभी को देखने को मिलती है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं जल्दी से स्काउट सभी प्लेयर्स घातक नियो इनके साथ देखने को मिले बहुत ही जल्द। तो गाइस, अपनी अगली न्यूज है सांगवान को लेके। तो गाइस, सांगवान रिसेंटली मेगा स्टार्स के साथ एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, और सभी स्पैम कर रहे थे कि सांगवान मेगा स्टार्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो उसी पे सांगवान ने क्लेरिफाई किया कि उन्होंने मेगा स्टार्स ज्वाइन नहीं करी है, उन्होंने बोला कि सोल की जो लाइनअप है वो अलग एक टूर्नामेंट खेल रही है, और वो मेगा स्टार्स के लिए साथ इसलिए खेल रहे हैं। और सांगवान ने एक और अपडेट दिया, उन्होंने बोला कि मॉर्टल जल्दी PMPL के फोर्थ जो लाइनअप होने वाले, यानी कि फोर मैन जो भी प्लेइंग फोर में जो होगा वो जल्द ही बताने वाले हैं जो PMPL खेलेंगे। तो गाइस, उसका भी अपन वेट करते हैं कि कौन से प्लेइंग फोर होते हैं सोल की तरफ से। गाइस, जो अपनी अगली न्यूज है अमन को लेके। तो गाइस, अमन ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल टीम ज्वाइन नहीं करी है आफ्टर लीविंग सोल, और उनकी तरफ से भी कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलने वाली, शायद अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं गाइस। तो गाइस, अमन के वजह से सबके मन में डाउट है कि अमन क्या PMPL भी खेलेंगे। तो इसी पे जोनाथन अमन से पूछते हैं कि क्या तुम PMPL खेल रहे हो गॉडलाइक, तो अमन कुछ ये रिप्लाई देते हैं। PMPL नहीं खेल रहा तू? हाँ? पता नहीं अभी फाइनल नहीं कुछ। नोवा गॉडलाइक बोलते हैं। हाँ। नवरे? तुमने तेरे को लग रहा है क्या आगे लगा हुआ नाम दिखा क्या? तो गाइस, अपनी अगली न्यूज है रौनक को लेके। तो गाइस, आप सभी को पता ही है कि रौनक ने फनेटिक लीव कर दी है, और उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं दी कि वो कौन सी न्यू टीम ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसी पे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि क्या रौनक क्रॉलर्स ज्वाइन करने वाले हैं या मेगा स्टार्स ज्वाइन करने वाले हैं। और गाइस, रौनक जो भी स्क्रिम्स खेल रहे हैं वो किसी भी परफेक्ट लाइनअप के साथ नहीं खेल रहे, यानी कि वो कोई भी एक रैंडम बंदे के साथ खेल रहे हैं कोई भी स्क्रिम्स जो खेल रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूं। मगर गाइस, मैंने एक देखा कि एक टूर्नामेंट के अंदर रौनक SGE के साथ खेल रहे थे, प्रॉपर एक SGE के लाइनअप की, और फोर्थ मैन थे रौनक। तो गाइस, हो सकता है क्या पता रौनक SGE को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि और SGE की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आने वाली है, SGE ने अनाउंस किया था। तो गाइस, कुछ भी हो सकता है गाइस, देखते हैं गाइस कौन सी टीम रौनक ज्वाइन करते हैं और वो कौन सी टीम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। अगली न्यूज है 8bit को लेके। तो मॉर्टल ने बताया कि 8bit वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर एंटर करने वाली है PMCO के अंदर। तो गाइस, मेरे हिसाब से लगता है मेरे को PMCO फाइनल्स के अंदर एंटर करेगी 8bit। तो गाइस, जो अपनी अगली न्यूज है PMCO को लेके। तो रिसेंटली PMCO पोस्टपोन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया दोनों के रीजन के अंदर। तो गाइस, इंडिया के अंदर तो वापस ये रिज्यूम हो चुका है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये वापस पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि हैकर्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर हटे नहीं है। तो गाइस, देखते हैं वापस कब से रिज्यूम होता है PMCO पाकिस्तान के अंदर। गाइस, ये थी आज के लिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज। में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि इस महीने के एंड तक 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं आप सभी के लव और सपोर्ट से। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।